हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, यहाँ पे जी मेरा सुबह का नाश्ता हो रहा है और ये आपके सामने है जी यहाँ पे। एंड आज मेरा दिल हो रहा था ना कि मैं पराठा खाऊं, तो देन आज मैंने अपने लिए पराठा बनाया था। एंड ये है मेरी टी और साथ में सालन एंड साथ में फ्राइड एग। तो जी ये है मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो बहुत ही यम्मी लगता है मुझे, स्पेशली जब मैं पराठा खाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाती हूँ। देन ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया था। बहुत ही अच्छा ये होता है ना कि मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा से कौन से करती हूँ, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जिस पे आपको, मतलब आपने ब्रेकफास्ट के बाद सारे काम करने होते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी भली उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होनी चाहिए। अब जो ब्रेकफास्ट भागम भाग में होगा तो वो आई थिंक सो कि उसका इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो और माइंड भी मतलब अकुपाइड सा हो जाता है। देन इसलिए मैं ना ब्रेकफास्ट अपना बहुत ही आराम से करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे आज मुझे थोड़ा बुखार का आराम है, बट गला मेरा ना अभी भी ख़राब है। देन जी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, उसके बाद आज मैंने सोचा कि मैं अपना जो किचन है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मैंने अपनी क्लीनिंग को स्टार्ट कर दिया था और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है ना। यहाँ पे मैंने पास कैम करके आपको बताया है। और यहाँ पे जी कप्स के नीचे बहुत सी चीज़ें थी, रोटी के टुकड़े भी पड़े हुए थे एंड पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। हालाँकि 1 मंथ पहले मैंने इस कैबिनेट को मैंने क्लीन किया था, ठीक है। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि किचन में आके बस जो मैं मतलब नॉर्मल जो नीचे से क्लीनिंग होती है वही कर लेती थी। अब ये डीप क्लीनिंग करने का वो इतना मैं यही सोच रही थी ना कि थोड़ा सा वेदर ठंडा होगा, मतलब थोड़ा सा गर्मी कम होगी ना, देन मैं करूँगी। तो देन आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात में भी बारिश हो रही थी। ऑलमोस्ट 3 डेज से यहाँ पे नाइट में बारिश हो रही है, तो उस वजह से फिर आज मैंने प्लान बना ही लिया कि चलो आज मैं हाथ डाल ही देती हूँ इस काम में। तो यहाँ पे जी सारे बर्तन मैंने निकाल दिए थे, उसको बस अच्छी तरह से मैंने वहाँ से क्लीनिंग पहले कर ली थी प्रॉपर कैबिनेट से ना, उसके बाद अब मैं जो ये बर्तन है इनको मैं प्रॉपर अच्छी तरह से साफ दूसरा नीट कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत जो स्टेन्स होते हैं ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से जी जल्दी जल्दी से मैं अपने ये जो भी है क्लीनिंग का काम ये मैं कर रही हूँ और अच्छी तरह से मुझे मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है ना अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद थोड़ा सा बैठ के फिर मोबाइल यूज़ करना, उसके बाद थोड़ा सा टीवी देख लेना या कुछ भी काम कर लेना आराम से, उसके बाद मैं ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये बर्तन वॉश कर ये प्रॉपर क्लीन कर लिए थे, उसके बाद अब मैं इनको रख रही हूँ कैबिनेट पे एक तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी नीट एंड क्लीन लुक आ रही है। पहले तो यहाँ पे हर तरफ नीचे मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और अब जो ऊपर वाली कैबिनेट है इसको भी मैंने वहाँ से भी ना अच्छी तरह से कपड़ा लगा लेना है। सॉरी यार, वहाँ पे कैम नहीं पहुँच पा रहा था, इतना ऊँचा स्टैंड नहीं कर पा रही थी मैं, तो फिर भी ये देखिए मैंने फ़ोन को हैंड में पकड़ लिया एंड मैंने आपको दिखाना था, आप सबको ही देख लें कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी ना। तो अब मैं इसको भी ना एक अच्छे तरीके से प्रॉपर यहाँ से भी ना क्लीन कर रही हूँ। तो ये होता है कि मतलब जब भी ना मैं क्लीनिंग करती हूँ मुझे ना बहुत ज़्यादा मेंटली रिलीफ भी मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे, ठीक है। और ये है कि फिर अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ना मुझे फील होती है जी। सो यहाँ का काम भी मैंने निपटा लिया था। हाँ, और उसके बाद आज मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा था ना, बात करते करते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे देखें किचन में मेरा कितना मेस बना हुआ है ना, अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये सब चीज़ें बिखर रही हैं। और इस किचन को भी मैंने क्लीन नीट एंड क्लीन करना है प्रॉपर। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इस कैबिनेट में यहाँ पे जो ये प्लेट्स वगैरह रखी हुई है ना, इसको मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं आज क्लीन कर लूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बेशक आप क्लीन करके भी ना यूटेंसिल्स रख लो कैबिनेट में, बट ऐसा होता है टाइम के साथ साथ ना उन पर वहीं पर डस्ट चढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी इन प्लेट्स की भी ना कुछ ऐसी ही कंडीशन हो रही थी, तो इनको मैंने ना निकाल दिया था। मैंने कहा इनको ना साथ बाकी बर्तन के साथ वॉश करके ना फिर इनको सुखा के रखूँगी मैं। तो ये था, और अब मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे भी डस्ट है, और वो बर्तन जो थे चलो वो यहीं पे थे जो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे नहीं है, बट यहीं पे थे। और यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे इतनी डस्ट नहीं थी, क्योंकि ये मैं मोस्टली साथ में करती रहती हूँ। वहाँ पे भी मैंने कपड़ा लगा लिया था, और उसके बाद
सो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अब यहाँ पे जो ये वाली जो कैबिनेट है, अब इसको जो दूसरी कैबिनेट है यहाँ पे जहाँ पे कांच के बर्तन हैं, अब इनको निकाल दूँगी। अच्छा, आप इसको देख सकते हैं, इस नमकदानी को, और यहाँ पे और इसके बीच में काला मसाला डाला हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब फील हो रही थी मुझे, तो सो मैंने सोचा कि लगे हाथों ना इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ, मतलब इसको भी ना क्लीन कर देती हूँ, प्रॉपर क्लीन लुक आ जाएगी। सो मैं इसको भी ना अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन कर लूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद सो बहुत इजी हो जाता है ना सर, मतलब कि क्लीन करने के बाद इसको ना फिर ये जो बाकी ग्लास वगैरह इनको भी मैं एक अच्छे तरीके से प्रॉपर क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जी मैंने वहाँ से प्रॉपर क्लीन कर लिया था, एंड यहाँ पे जितने भी सारे बर्तन थे इनको भी मैंने उठा लिया था, इनको उठा के मैंने, और उसके बाद इनको अब मैं वापस प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ। सारे बर्तन को एक बर्तन को करके उठा के मैंने कहा ना अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह होते हैं ना प्रॉपर पीछे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो फिर यहाँ से अब जी मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली थी, एंड जो ये जो बर्तन वगैरह थे ना, अब इनको मैं वापस ना एक प्रॉपर तरीके से रख रही हूँ। जो मैं ये था, मैंने ये सोचा इस मशीन पे भी थोड़ी सी ना मुझे डस्ट फील हो रही थी, तो मैंने कहा साथ में इस पे भी कपड़ा लगा देती हूँ। सो मैं बस यहाँ पे भी कपड़ा लगा रही हूँ, एंड उसके बाद जी जल्दी जल्दी से अपने काम फिनिश कर रही हूँ। जल्दी तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट आज मेरी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग है, एंड जब डीप क्लीनिंग होती है ना देन काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, ऑलमोस्ट वन आवर मुझे लग जाता है ना, तो ये है। और उसके बाद जी जब यहाँ पे अब स्पून्स रखती हूँ, एंड स्पून्स को ना ये हमेशा ऐसा होता है ना कि जब भी स्पून्स को मैं रखती हूँ तो वो जब मतलब एक दूसरे के मतलब जो स्मॉल स्पून्स होते हैं वो लार्ज स्पून्स के साथ हो जाते हैं इस तरह ना, तो फिर इनको प्रॉपर एक तरीके से रखना पड़ता है, फोक्स को ला करके रखना पड़ता है, स्पून्स को ला करके, जो नाइफ्स होती हैं उनको ला करके रखना पड़ता है ना। तो अब सो यहाँ पे अब मैं ये काम भी कर रही हूँ, ये काम भी मैंने फिनिश कर ही लिया था। स्पून्स अपने सारे स्पून्स को भी ना मैंने एक प्रॉपर तरीके से रख लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे ये जो बर्तन है इनका जो ये है इसको भी ना मैं ये जो जिस ये जो जग है जिस पे मैंने ये बर्तन डाले हुए हैं इसको भी ना एक प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये तो मैं मतलब ये क्लीन ही होता है, जस्ट नॉर्मल सा ना कपड़ा लगाना होता है, वो जो भी डस्ट वगैरह होती है ना वो भी निकल जाती है, उतर जाती है। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने रख लिया था प्रॉपर, एंड उसके बाद काफ़ी काम करते करते ना तो मुझे मतलब सर में काफ़ी पेन हो रही थी साथ में ही ना, मैंने कहा कि मेडिसिन ले लूँ, तो सो मेडिसिन मैंने खा ली थी। और ऐसा होता है कि मतलब सर में पेन हो जाती है, समटम गर्मी भी लग जाती है ना, इस वजह से काफ़ी वैसे ही मुझे इश्यू है सर के पेन का ना, तो वो पेनाडोल में लेती हूँ तो मैं इजी हो जाती हूँ। सो बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेस बना हुआ है, वो जो सेकंड वाला बैक वाला कॉर्नर था वो मैंने क्लीन कर लिया था। अब मैं यहाँ पे इसको भी ना क्लीन करने लगी हूँ, और सबसे पहले जो ये बर्तन है इनको मैं साइड पे कर दूँगी, जिसमें तवा है ये चीज़ें वगैरह हैं ये तो वॉश होने वाली है ना, इन बर्तन को साइड पे करके फिर यहाँ से मैं क्लीनिंग कर लूँगी जल्दी से, और ताकि उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने हैं वो भी कर लूँ। तो बस ये काम होते हैं सारा दिन के, जो ये काम साथ साथ लगे रहते हैं, और जब स्पेशली जब डीप क्लीनिंग की बात आती है तो फिर तो बर मतलब फिर एक एक चीज़ को प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। और बस यहाँ पे अब जो स्टोव है इसको देख लें आप, इस स्टोव को मैंने पहले स्क्रब करती हूँ, प्रॉपर स्क्रब करने के बाद उसके बाद इसको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट ना कपड़ा लगा दूँ कपड़ा मार दूँ तो वो फिर वो नीट एंड क्लीन लुक नहीं आती है। पहले मैं स्क्रब करके ना जो भी होते हैं मतलब सैलम वगैरह के जो स्टैंड होते हैं वो भी ना प्रॉपर तरीके से उतर जाते हैं, तो उसके बाद जब कपड़ा वगैरह लगाया जाता है तो प्रॉपर ना चमक आ जाती है। तो बस यहाँ पे जी अब मैं जल्दी से अपना स्टोव भी क्लीन कर रही हूँ, एंड उसके बाद स्टोव क्लीन करने के बाद वैसे अभी मेरा दिल हो रहा था ना कि ठंडा शरबत बना के पीऊँ, तो अभी कोई था नहीं जिसको मैं बोलूँ कि मुझे शरबत बना के दे दे। सो काम करते हुए मैं ये बात सोच रही थी, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी काम करने के मतलब काम मसलसल कर रही थी, और उसके बाद ये है ना कि एक होता है कि थोड़ा मतलब कुछ पी लिया जाए बैठ के तो उसके बाद फिर से
काम अगर स्टार्ट किया जाए ना तो काम अच्छे तरीके से मतलब होता है। तो ये यहीं पे यही था। और सो बस मैंने कहा कि अभी जो शरबत पीने का प्लान है उसको तो मैं कैंसिल करूँ, क्योंकि अभी मैं जाके शरबत बनाऊँगी पीऊँगी तो फिर उस पर ना ऐसा ना हो कि मेरा फिर मूड चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पे अब ये है कि अब मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग कर रही हूँ, एंड अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर यहाँ पे ना थोड़ी ग्रीस लगी हुई थी उसको मैंने प्रॉपर स्क्रब कर लिया था, उसको उतार दिया था। एंड उसके बाद ना इसको भी एक नीट एंड क्लीन एक अच्छी तरह करके ना एक अच्छी लुक आ रही थी ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर से जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना बैग वाल से, तो वो नीचे उसकी थोड़ी सी डस्ट आ गई थी, तो वो उसको भी ना मैं यहाँ से क्लीन कर रही हूँ। तो बस यही होता है। और आज मूसा के स्कूल से भी मुझे कॉल आई थी कि आज ना मूसा का हानिया का नहीं मूसा का आज फंक्शन था कि आप आना स्कूल में मतलब के, और साथ में पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो सो आज मैं नहीं जा सकी। और अभी मैं यही मन में सोच रही थी कि मैं मतलब जाऊं, फिर मैंने कहा कि नहीं कल चली जाऊंगी, कल पे रख देती हूं, कल चली जाऊंगी बस यही करके। तो सो वहाँ से तो मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था, मैंने कहा था कि मैं आज नहीं आ सकती एंड मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से फिर मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया था। और अब यह होता कि तबीयत तो मेरी ख़राब आज भी अभी है ही, लेकिन यह है कि फिर मुझे ना मतलब आराम से बैठ के सुकून नहीं मिलता। मैं काम जब तक कोई ना करूँ मतलब मुझे इस बैठ के ना सिंपल सुकून नहीं मिलता। एंड जितनी भी मेरी ना तबीयत ख़राब हो मतलब जितना भी मुझे टेम्परेचर हो, जितना भी फ्लू हो, गला ख़राब हो, जो भी है, तो मैं लेटती नहीं हूँ, मतलब मेरी नेचर में नहीं है लेटना। अच्छा यहाँ पे ये जो ग्रेप्स थे अंदर पड़े हुए थे, पता नहीं ये रात के पड़े हुए थे या कल के पड़े हुए थे, ओवन के अंदर माइक्रोवेव के अंदर पड़े हुए थे एंड वो अभी स्मेल छोड़ रही थी ना काफ़ी, उनसे स्मेल आ रही थी, तो उनको मैंने बिन में फेंक दिया था क्योंकि वो खाने के काबिल तो रहे ही नहीं थे। एंड अब जो ये ओवन के माइक्रोवेव की जो प्लेट है इसको भी ना मैं एक अच्छे तरीके से प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ, एंड ओवन को भी ना यहाँ पे भी कपड़ा मार देती हूँ कि एक प्रॉपर क्लीनिंग नीट एंड क्लीन लुक आ जाती है। इसको ना चारों तरफ से ना मैं प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ तो वो फिर बहुत एक अच्छी लुक आ जाती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैग पे भी ना आटा वगैरह जम जाता है क्योंकि साथ में रोटी बनती है, तो यहाँ पे आटा वगैरह की ना वो खुशका वगैरह आ जाता है, तो वो जो ओवन के पीछे चला जाता है, तो उसको भी ना प्रॉपर तरीके से मैंने वहाँ से मस्त निकालती हूँ क्योंकि फिर आंट्स वगैरह आ जाती हैं खुशके पे, तो आटे की खुशके पे ना तो एकदम आंट्स आ जाती हैं बहुत ज़्यादा ना, एकदम एक लाइन सी बना लेती हैं एकदम से। तो सो बस यहाँ से मैं जल्दी से अपना ये क्लीनिंग भी कर रही हूँ, ओवन की भी माइक्रोवेव की मैंने एक अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली थी। और अभी मैंने क्लॉथ भी वॉश करने थे उनको, कपड़ों को मैं मशीन में डाल के आ गई थी। वैसे तो क्लॉथ हेल्पर वॉश करती है एंड आज हेल्पर ने नहीं आना था, तो सो मैंने क्योंकि बच्चों के तो डेली बेसिस पे ही कपड़े होते हैं तो वो डेली बेसिस पे ही वॉश होते हैं, क्योंकि फिर 2 डेज़ के भी जमा हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि हेल्पर ना भी आए, देन मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। तो वो मैं उनको मैंने मशीन में डाल दिया था कपड़ों को, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने। और अब यहाँ पे जो ये जो ऊपर वाली कैबिनेट्स हैं इनको मैं बाहर से भी प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अंदर से तो क्लीन कर लिया था, बाहर भी मैं डेली वो तो डेली कपड़ा लगा लेती हूँ। एंड यहाँ पे भी नीचे से भी ना इन कैबिनेट्स को भी एक प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ, यहाँ से ना यहाँ पे भी थोड़े जब हाथ लगते हैं ना कैबिनेट्स, ऑब्वियसली जब ओपन होती हैं तो हैंड के भी स्टैंड लग जाते हैं ना, तो वो भी प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं। सो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, तो बस मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी और मैंने कहा थोड़ा चाय पी के ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो चाय पी के फिर बाकी का काम करूँगी और थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ना काफ़ी टाइम से कामों में लगी हुई थी मैं, तो सर बहुत ज़्यादा एकदम से दर्द करना स्टार्ट कर गया था मेरा। तो बस यहाँ पे मैं अब जल्दी से अपनी चाय गरम कर रही हूँ एंड उसके बाद चाय के साथ मतलब सिंपल चाय ही पीऊँगी, चाय के साथ कुछ लूँगी क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन पता नहीं आज आउट ऑफ नो मतलब सर में मुझे पेन स्टार्ट हो गई थी, कोई समझ नहीं आ रही थी ना कि क्यों हो रही है, तो ऐसा हो जाता है समटाइम। और उसके बाद चाय वगैरह मैंने पी ली थी और उसके बाद फिर मैं अब आ गई हूँ किचन की विंडो में, और यहाँ पे इस विंडो को भी ना मैंने एक प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये भी ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे डस्ट फील हो रही थी, तो मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो इसको भी क्लीन कर लूँ प्रॉपर। और अब इसको मैंने पहले फोम लगा लिया था अच्छी तरह से, मतलब विम लगा के ना इसको स्क्रब कर लिया था ताकि जो भी स्टैंड्स होंगे वो उतर जाएंगी और एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाएगी ना। तो यहाँ पे अब जी मैंने वो स्क्रब कर लिया था और उसके बाद ना देख सकते हैं अब मैं इसको ना प्रॉपर तरीके से क्लीन कर रही हूँ
अच्छा, मैं ये देख रही थी ना, विंडो ऊपर से थोड़ी हिली हुई थी, मैंने कहा मैं इसको ओपन करके ना दूसरी तरफ से भी ना इसको मैं क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर इसको मैंने खोला ना यूँ साइड पे कर लिया तो वो विंडो जाके नीचे लग जाएगी, इसलिए फिर मैंने इसको छेड़ा नहीं, बस यहाँ पे जितना बाहर से ही मैं कर सकी थी मैंने वही इसकी क्लीनिंग की है प्रॉपर, क्योंकि मैंने कहा कि अगर अंदर से करूँगी तो फिर ख़तरा है कि विंडो के मतलब ये, क्योंकि इसका जो ये शीशा था ना ये हिला हुआ था, मैंने कहा यही ना गिर जाए, तो बस जी यहाँ पे अब क्लीनिंग में अपनी विंडो की भी कर ली थी, एंड अब देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन लुक आ रही है, और यहाँ पे विंडो की भी मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ, किचन की जो विंडो अंदर की तरफ से इसको भी प्रॉपर क्लीन करके, माइक्रोवेव की जो प्लेट है उसको भी प्रॉपर आगे से क्लीन कर लिया था, अब बारी आती है बर्तन की, यूटेंसिल्स की, एंड जो मतलब जो मिनटों में मैं वॉश कर लेती हूँ उसको, बर्तन में बहुत जल्दी वॉश कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे अब मैं अपने बर्तन वॉश करने लगी हूँ, अपने नाश्ते के जो बर्तन थे वो भी रख दिए थे, कि मैंने कहा क्लीनिंग वगैरह करके ना लास्ट पे वॉश करूँगी, सुबह बच्चों के भी बर्तन थे वो भी, अब यहाँ पे आती है बर्तन की बारी, तो अब आप देख सकते हैं कि अपने बर्तन को मैं वॉश कर रही हूँ, एंड जो प्लेट्स वगैरह मैंने नीचे से निकाल के रखी थी ना कैबिनेट से, अब उनको भी प्रॉपर तरीके से वॉश करूँगी, पहले जितने ये बर्तन थे इनको ना वॉश करके साइड पे छोड़ दूँगी, फिर जो प्लेट्स हैं इनको मैं प्रॉपर ना नीट एंड क्लीन करूँगी, तो बस ये होता है जी मेरा काम, मेरी मॉर्निंग रूटीन ऐसी ही होती है, कोई ना कोई काम मैं करती ही रहती हूँ डेली बेसिस पे, कभी कभी कहाँ की क्लीनिंग, कभी कोई क्लीनिंग, कभी कोई, अब कभी कोई काम ओपन कर लेती हूँ, और टाइम गुजरते हुए 2-3 घंटे तो मेरा कामों में ही चला जाता है ना, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं सारे काम कर लूँ। अच्छा, ये जो बाउल है ये एग्स का बाउल है, इसमें एग्स डालती हूँ तो इससे ना स्मेल आने लगती है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से विम से ना पहले प्रॉपर इसमें विम डाला था, उसके बाद फिर इसको प्रॉपर विम से क्लीन किया था, अब मैं जो प्लेट्स हैं इनको भी ना प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ, तो ये है कि बस ये यहाँ से जो मेरे यूटेंसिल्स हैं इनको भी ना जल्दी से वॉश आउट कर लूँगी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मूसा के स्कूल में, हानिया और मूसा के स्कूल में चली जाऊँ, अभी सोच रही हूँ क्या पता माइंड बने ना बने, लेकिन अब मैंने सोचा था कि काम जल्दी ख़त्म हो गया जो बिखेरा हुआ है ना, फिर चली जाऊँगी, तो ये हो गया था काम, बस ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो फिर सोच रही हूँ क्या पता अब जाऊँ या ना जाऊँ, तो बस यहाँ पे, और जल्दी से मेरे बर्तन भी सारे वॉश आउट हो गए हैं, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मतलब मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बिलीव में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है, जो सबसे मेन बात है, ठीक है, और ऑब्वियसली आपके प्यार से, आपकी इतनी हौसला अफजाई से ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं और ये जो काम है ये तो ऑब्वियसली डेली रूटीन के ही काम होते हैं, स्पेशली एक हाउसवाइफ के लिए तो ये काम डेली रूटीन के ही होते हैं, लेकिन वो मतलब जो आप लोग मोटिवेट करती हो, आप लोगों के मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा ना मुझे, और अब यहाँ पे जो सिंक है इसको भी वॉश कर रही हूँ, एंड सिंक को आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्म से मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना ग्रीस हो जाती है, तो इसको भी ऑब्वियसली प्रॉपर वॉश आउट करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो फिर वो बहुत अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, तो थैंक गॉड कि मेरे जो बर्तन वाला सीन है ये तो यहाँ पे फिनिश हुआ, ये तो वाइंड अप हुआ ना, और उसके बाद जी यहाँ पे अब मैं ना ड्राई कपड़ा लगा दूँगी, और क्योंकि जो यहाँ पे मतलब ये जो गीला होया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बर्तन वॉश हुए हैं तो ये सारी जगह जो गीली हुई हुई है ना ये अच्छे से इस जगह को ना ड्राई कर दूँगी मैं, और वो फिर ऐसा होता है कि वो मतलब ड्राई होके ना, क्योंकि अगर यहाँ पे गीला ही होता है तो फिर बहुत टाइम के बाद जगह जगह ड्राई होती है, इसलिए फिर ना मैं यहाँ पे ड्राई कपड़ा लगा लेती हूँ, साथ में जो ये वाले कैबिनेट्स हैं इनको भी मैं ना लगे हाथों में यहाँ पे भी कपड़ा लगा लूँगी, तो बस ऑलमोस्ट जो मेरी क्लीनिंग थी वो हो ही गई है, एंड जो किचन की जो क्लीनिंग थी वो हो ही गई है, एंड यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था स्टेंस थे उनको भी ना मैंने अच्छी तरह से ना फॉर्म से मैंने रिमूव कर लिया था, तो बस जी आज बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गई हूँ, काफ़ी काम था, और एंड बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो बाकी का जो काम है वो भी मैं जल्दी से फिनिश कर रही हूँ, एंड ये है जी मेरा किचन क्लीन, आप क्लीनिंग से पहले भी देखा था एंड क्लीनिंग के बाद भी आप देख लें, अब प्रॉपर क्लीन कर लिया इसको मैंने, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे ना मुझे ग्रीस फील नहीं हो रही है, देखिए हैंड मतलब फिंगर लगा के मैं चेक करती हूँ, बिल्कुल ग्रीस नहीं है, एंड उसके बाद एक एक चीज़ को प्रॉपर क्लीन कर लिया था, ओवन को भी माइक्रोवेव को भी आपको दिखा रही हूँ ओपन करके, एंड जी ये है जी मेरे किचन की फाइनल लुक आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर एक एक चीज़ मैंने क्लीन कर ली थी, और उसके बाद जी अब मैं जाती हूँ यहाँ पे भी ये कैबिनेट्स भी आप देख लें, उसके बाद जी अब मैं जाऊँगी
मतलब बाहर की भी क्लीनिंग थोड़ी बहुत जो करनी है वो, ये जो चेयर्स वगैरह हैं इनको ना, डाइनिंग चेयर्स को एक तरीके से मैनेज करके, मतलब यहाँ पे बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और वो ना काफ़ी मेस बना देते हैं, तो साथ में इसको भी हमें थोड़ा सा ना हल्का सा क्लीन कर लूँगी डाइनिंग को भी। और सबसे पहले जी चेयर्स को मैंने हटा लिया था एंड उसके बाद अब यहाँ पे इसको ना मैं एक प्रॉपर क्लीन कर रही हूँ टेबल को, टेबल पर अच्छी तरह से ना कपड़ा मार लूँगी। तो बस इसको तो मतलब ये तो डेली का ही होता है, यहाँ पे टेबल तो मैं 2 या 3 times डेली ही क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते हैं तो वो फिर गिर जाते हैं, तो इस वजह से फिर वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। बस जल्दी से ना मैं यहाँ का यहाँ से भी ना इस टेबल को भी ना अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। और ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया था एंड जो चेयर्स हैं इनको भी ना मैं हल्का सा कपड़ा लगा लूँगी, थोड़ी सी डस्ट फील हो रही थी यहाँ पे, तो सो यहाँ पे इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग है। आज की मेरी बहुत ही ज़्यादा ना कह लो कि टफ रूटीन है, डेली ही ऐसे ही होता है कि 3-4 घंटे तो मेरे कामों में ही चले जाते हैं। और ये होता है कि काम तो फिर हम हाउस वाइफ्स के साथ ही ऑब्वियसली। एंड बस यहाँ पे आज का मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करना एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, पॉजिटिव ऐसे कमेंट्स किया करें कि जिससे मोटिवेट हूँ मैं, मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे ना। तो बस यहाँ पे जो लास्ट में ये फ्रिज थी इसको भी ना काफ़ी ये मुझे गंदी फील हो रही थी, हालांकि ये भी मतलब डेली ही वॉश करती हूँ, लेकिन अभी इसको भी ना कपड़ा लगा लूँगी मैं अच्छे तरीके से। और बस इसको ऊपर से भी आज इस फ्रिज के ऊपर से भी ना इसको उसको क्लीन कर लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं बस अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ, लास्ट पे फ्रिज ही थी इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद जाके बस मैंने शॉवर लेना है क्योंकि स्वेटिंग से मेरा बुरा हाल हो रहा था ना। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।